Children, the next chapter that we are going to do is chapter number 30 and the name of the chapter is trait makes We can describe how a character acts using character traits. हम जो क्या कर सकते हैं किसी भी character के बारे में हम पहचान सकते हैं कैसे वो behave कर, कर रहा है कैसे act कर रहा है उसके traits को देखके। A trait is different than a feeling. ट्रेट जो है फीलिंग से अलग होता है बिकॉज इज़ टेम्पररी फीलिंग जो है थोड़ी देर के लिए होती है जैसे कि मुझे बहुत आज दुख हो रहा है मैं आज बहुत खुश हूँ तो थोड़ी देर के लिए होगा ये बट आ ट्रेट इज पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी सो लेकिन ये जो ट्रेट होता है ये किसी भी पर्सन के कैरेक्टर का एक पार्ट होता है वो जो है आप कह सकते हो आदत तो ट्रेड को हम एक तरीके से आदत कह सकते हैं जो जल्दी नहीं छूटती सो ये वॉट यू द ट्रेड थ्रू द मेज ये मेज बना हुआ है यहां से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ के फिनिश करना है तो आपको क्या करना है ट्रेड्स को फॉलो करना है डोंट गेट फूल्ड बाय द फीलिंग्स फीलिंग्स के आपको हमें टच नहीं करना है यहाँ पे फीलिंग्स भी लिखे हैं ट्रेड्स भी लिखे हैं तो आपको क्या करना है सिर्फ ट्रेड्स को आपको टच करना है फीलिंग्स को टच नहीं करना है सो लेट्स फ्रॉम यूर हेल्पफुल क्या है ये एक फीलिंग है या फिर ये एक आदत है ये इट इज अ ट्रेड तो हम हेल्पफुल पे आएंगे अब हेल्पफुल के बाद आता है टायर्ड थक जाना तो क्या एक फीलिंग है या फिर एक ट्रेट है यू sad. Sad होना क्या एक फीलिंग है या फिर एक ट्रेट है फनी फनी होना क्या एक फीलिंग है या फिर ट्रेट है ट्रेट मैड मैड हो जाना पागल हो जाना क्या एक ट्रेट है या फिर ये एक फीलिंग है सो सिमिलरली चिल्ड्रेन फाइंड आउट विच ऑल आर ट्रेट्स एंड विच ऑल आर फीलिंग्स